एक तरफ पुतिन अपने मून मिशन लूना के फेल होने का मातम मना रहे हैं तो दूसरी तरफ जेलेंस्की ने F-16 के बाद एक और फाइटर जेट की डिमांड रखती है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये वाला लड़ाकू विमान उन्हें जरूर मिलेगा। जेलेंस्की मानते हैं कि फाइटर जेट 2 F-16 से भी ज्यादा खतरनाक होगा। जेलेंस्की की नजरें अब इस फाइटर जेट पर गड़ गई हैं। जेलेंस्की की डिमांड अब F-16 के आगे बढ़ गई है। जेलेंस्की चाहते हैं कि यही फाइटर रूस के परखच्चे उड़ा दे। जेलेंस्की चाहते हैं कि यही लड़ाकू विमान उनकी नैया पार लगा दे। इस फाइटर जेट से जेलेंस्की को बहुत उम्मीद है। इस फाइटर जेट को लेकर यूक्रेन के टारगेट पर जीत है। पुतिन इस फाइटर जेट को कैसे रोक पाएंगे, ये रूस के लिए भी पहेली है, क्योंकि ये यूरोप का ऐसा लड़ाकू विमान है जो सबसे आधुनिक मिसाइलों से लैस है। इस फाइटर जेट का नाम है ग्रिपन। ये स्वीडन का बनाया हुआ बहुत ही आधुनिक लड़ाकू विमान है और अब जेलेंस्की इसे यूक्रेन की एयरफोर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो इसी विमान से रूस पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि अभी तक जेलेंस्की को F-16 तक नहीं मिला है। ऐसे में एक और फाइटर पर बात छेड़ना, एक और लड़ाकू विमान की डिमांड करना, क्या ये जेलेंस्की की तरफ से बहुत जल्दबाजी नहीं कही जाएगी? स्वीडन के दौरे पर जेलेंस्की ने खुल्लम खुल्ला ग्रिपन की डिमांड की है और जाहिर है कि पुतिन इस बात से खुश नहीं होंगे, ये पक्का है। Говорили і про іншу сильну шведську машину, літаки Gripen. Це гордість Швеції. І я впевнений, що Gripen-и можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen-ів за участі українців, наших пілотів. Zelensky का दावा है कि यूक्रेन के पायलट्स ने ग्रिपन पर टेस्ट फ्लाइट भी शुरू कर दी है, यानी उसे आजमाना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि उनको ग्रिपन वाकई में मिलेगा या फिर Zelensky अपना और यूक्रेन का वक्त खराब कर रहे हैं। जेलेंस्की के आलोचक पहले ही कहने लगे हैं कि फाइटर जेट को लेकर वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं और उनको ना F-16 मिलेगा और ना ही ग्रिपन, क्योंकि अगर फाइटर जेट से रूस पर हमला हुआ तो पुतिन पूरे नाटो पर हमला कर देंगे, फिर पूरा यूरोप रूस के गुस्से में जलेगा और इसका सबसे पहला टारगेट बनेंगे स्वीडन और वो देश जो यूक्रेन को F-16 सप्लाई करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि स्वीडन का ग्रिपन बहुत ही शानदार फाइटर जेट है, जो पांचवी पीढ़ी का तो विमान नहीं, लेकिन इसकी खूबियों के आगे दुनिया के कई फाइटर जेट उन्नत साबित हुए हैं। ये पहला फाइटर जेट है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर से लैस किया गया। इस मिसाइल की रेंज 80 से 150 किलोमीटर तक है। ग्रिपन के नए वर्जन में ऐसी 7 मिसाइल लगाई जा सकती हैं। इस मिसाइल को देखकर दुश्मन का सबसे जांबाज पायलट भी इससे फासला बनाए रखते हैं। ऐसे ही हथियार हैं जो स्वीडन की वायुसेना को बहुत खास बना देते हैं। ऐसे ही हथियार हैं जो किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित होते हैं, फिर चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। Сьогодні ми детально поговорили майбутні кроки щодо
можливості відкрити тематику отримання шведських гріпенів. Я буду зустрічатися сьогодні зі спікером парламенту, з представниками усіх парламентських. अब तो स्वीडन को नाटो में शामिल करने की बात चल रही है। यही वजह है कि अगर नाटो के साथ स्वीडन आता है या ये नाटो के साथ मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ता है तो नुकसान में सिर्फ पुतिन की एयरफोर्स ही रहेगी, क्योंकि ग्रिपन जैसे फाइटर जेट के शामिल होने से नाटो की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। यह डर पुतिन को भी है और उनकी वायुसेना भी इस खतरे को अच्छी तरह जानती है। स्वीडन की एयरफोर्स के पास 150 फाइटर जेट हैं। ये सभी ग्रिपन के अलग अलग वर्जन हैं, लेकिन एक अनुमान है कि स्वीडन के पास पुराने ग्रिपन और बाकी फाइटर जेट को मिलाकर 1000 लड़ाकू विमान हो सकते हैं जो सीक्रेट गोदामों में रखे गए हैं। ये फौरन उड़ान के लिए तैयार नहीं, लेकिन एक छोटे नोटिस पर जल्द उड़ान लायक बनाए जा सकते हैं। इन विमानों को स्वीडन ने छुपा कर रखा हुआ है, ऐसा कई खुफिया एजेंसियों और एक्सपर्ट्स का मानना है। स्वीडन अभी तक यूक्रेन की 15,000 करोड़ रुपए के मिलिट्री पैकेज वाली मदद कर चुका है। इसमें कई तरह के हथियार हैं। अब तक स्वीडन की तरफ से हथियारों के 13 पैकेज रिलीज हो चुके हैं। अब तो नए 3,000 करोड़ के पैकेज की बात भी शुरू हो चुकी है। अगर इसमें ग्रिपन शामिल भी किया जाता है तो वो यूक्रेन को 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 ग्रिपन विमान सप्लाई किए जाएंगे। इसलिए सवाल तो स्वीडन की नीयत और ज़ेलेंस्की के उत्साह दोनों पर खड़े किए जा सकते हैं। अगस्त की शुरुआत में ही ज़ेलेंस्की ने 3 मिनट का एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने अपनी वायुसेना की पूरी ताकत दिखाई। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की ने उस मिसाइल पर युद्ध वाली चिट्ठी लिखी है जिसे नाटो ने खास तौर पर यूक्रेन को तोहफे में दिया है। इस मिसाइल के टारगेट पर पुतिन है और ज़ेलेंस्की ने जो इस पर लिखा है वो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की ने पुतिन के युद्ध के खिलाफ जहर उगला। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की ने वो हथियार बहुत खामोशी से दिखा दिए जिसके बारे में जानने के लिए पुतिन की खुफिया एजेंसियां महीनों से काम पर लगी हुई हैं। इस वीडियो में अमेरिका का दिया हुआ पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी दिखाया गया। इस वीडियो में जर्मनी से मिला IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम भी साफ साफ नजर आया। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की ने पहली बार दुनिया को स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी दिखाई। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की फ्रांस से मिले स्कैल्प मिसाइल भी सबके सामने पेश कर दी और फिर उस पर लिखा यूक्रेन जिंदाबाद। ये यूक्रेन का बहुत ही सीक्रेट एयरबेस है और यहाँ नाटो के वो हथियार रखे गए हैं जो अभी तक यूक्रेन ने दुनिया को नहीं दिखाए थे। बहुत जल्दी यहाँ F-16 और ग्रिपन फाइटर जेट भी लाने की तैयारी ज़ेलेंस्की ने कर दी है। हालांकि दोनों ही विमान मिलेंगे ये बात पुख्ता तौर पर अभी भी कहना मुश्किल है, लेकिन ज़ेलेंस्की युद्ध की मार्केटिंग में यकीन रखते हैं। अब पुतिन के खिलाफ इतना माल दिखाकर वो भी सिर्फ 3 मिनट के वीडियो में रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया गया है। क्या ये ज़ेलेंस्की की खुफिया नाकामी है या कोई ऐसी चाल जिसमें वो पुतिन को फंसाना चाहते हैं? पुतिन को चैलेंज करने के लिए इस बार फाइटर जेट पर सवार हुए। ये युद्ध शुरू होने के बाद ज़ेलेंस्की की सबसे आक्रामक तस्वीर है। ज़ेलेंस्की एक MiG-29 में बैठे हुए हैं जो सोवियत संघ के दौर का लड़ाकू विमान है। इस तरह ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि वो रूस को उसी के बनाए गए हथियारों से हरा कर दिखाएंगे। літаків та вертольотів окупантам, їхні ракети і ще понад 2000 ударних дронів. यूक्रेन का दावा है कि वो अब तक रूस के 315 फाइटर जेट मार गिरा चुका है।
जेलेंस्की का दावा है कि वो रूस के 311 हेलीकॉप्टर को खत्म कर चुके हैं। रूस के 4000 से ज्यादा ड्रोन खत्म करने का दावा किया जा रहा है। रूस की 1300 से ज्यादा क्रूज मिसाइल गिराने की बात हो रही है। ये आंकड़े जेलेंस्की के हैं और ये पुतिन को बेइज्जत करने के लिए रोज जारी किए जाते हैं। जेलेंस्की का इस सीक्रेट एयरबेस का दौरा एक बड़े मकसद के साथ दुनिया भर में टीवी पर दिखाया गया। जेलेंस्की के मकसद को यहां बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। जेलेंस्की ने यहां क्या क्या देखा और क्या क्या दिखाया, उसकी एक लिस्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट में उन हथियारों की सबसे खतरनाक बात भी शामिल की गई है। सबसे पहले बात ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल की और साथ ही फ्रांस से मिली स्कैल्प क्रूज मिसाइल की। जेलेंस्की ने ये दोनों मिसाइल देखी या कहीं की दुनिया को दिखाई। जेलेंस्की इन दोनों मिसाइलों से पुतिन को डराना चाहते हैं। खास बात यह है कि ये दोनों मिसाइल एक दूसरे की कॉपी हैं, दोनों एक जैसी हैं, दोनों को फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर तैयार किया है। जो मिसाइलें यूक्रेन को दी गई हैं, उनमें स्टॉर्म शैडो की रेंज 250 किलोमीटर है और स्कैल्प मिसाइल की रेंज भी 250 किलोमीटर है। दोनों ही विमान से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल है। इन दोनों मिसाइलों को लेकर रूस की फौज में खौफ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त इन मिसाइलों को इस्तेमाल करने के लिए नाटो ने यूक्रेन के सुखोई 24 फाइटर जेट को तैयार कर दिया है। सोवियत दौर के इस विमान को इससे लैस किया गया है। इस फाइटर जेट के दो वर्जन हैं और दोनों ही अब स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइल से लैस हैं। वैसे पुतिन कह चुके हैं कि नाटो के जहाज परमाणु हथियारों से लैस किए जा सकते हैं और इसका जवाब भी उसी तरह दिया जाएगा। रूस के तेवर देखकर लगता है कि जेलेंस्की चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, पुतिन के आगे उनकी फौज एड़ियां रगड़ रही है। ये पूरी दुनिया जानती है। जेलेंस्की का आत्मविश्वास हमेशा बाहर छलकता रहता है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका से मिला लाखों करोड़ वाला पैकेज है। जेलेंस्की काउंटर अटैक की बातें लगातार कर रहे हैं क्योंकि इसमें बाइडेन से मिला डॉलर वाला आशीर्वाद सबसे ज्यादा मायने रखता है। जेलेंस्की को मालूम है कि काउंटर अटैक को लेकर वो अपनी जितनी तारीफ करेंगे, अमेरिका से उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी। ग्रिपन और F-16 के आने का मतलब है कि यूक्रेन के आसमान में दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट एक दूसरे के सामने उतरेंगे और उनका आमना सामना हो गया तो ये यूरोप के आगे की टक्कर होगी। ऐसे हालात में विश्व युद्ध को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और नौबत परमाणु युद्ध की भी आ सकती है। यह डर इसलिए क्योंकि इन फाइटर जेट्स की वजह से यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध होने का खौफ बढ़ने लगा है। इधर बौखलाए पोलैंड को रूस के हमलों से बचाने के लिए नेटो ने